कि सेम जेंडर मैरिज को अप्रूव करके समलैंगिक विवाह की परमिशन दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेज और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो प्लीज पहले जाकर कर ले। बेंच में से थ्री जजेस ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोलीस्टिस पी एस नरसिम्हा ने मेजोरिटी जजमेंट डिलीवर करते हुए कहा कि सेम जेंडर कपल्स को विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है स्टेट्यूट और कस्टम्स के बाहर जाकर सेकेंड थर्ड वन सेम जेंडर कपल्स रिलेशनशिप में रह सकते हैं लेकिन उनको किसी भी तरीके से लीगल स्टेटस नहीं दिया जा सकता फोर्थ वन स्पेशल मैरिज एक्ट वैलिड है वो सेम जेंडर मैरिज को अलाउ नहीं करता फिफ्थ सेम जेंडर रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को सोशल वेलफेयर बेनिफिट मिलने चाहिए गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे एंश्योर ट्रांसजेंडर पर्सन को हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में मैरिज करने का अधिकार है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सेवन जेंडर रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को बच्चे अडॉप्ट करने का कोई अधिकार नहीं है एट स्टेट यह इंश्योर करे कि सेम जेंडर कपल्स को इनवॉल्ट्रिल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिले सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी सेटअप करके सेम जेंडर मैरिज के फैक्टर्स को एग्जामिन करे। ये फाइंडिंग्स डिलीवर की मेजोरिटी जजेस ने अब हम बात करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल ने सेम जेंडर मैरिज केस में क्या फाइंडिंग्स थी ये दोनों ही जजेस मेजोरिटी जजमेंट से डिसग्री करते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर किसी को भी सिविल यूनियन में एंटर करने से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आर्टिकल 15 का वॉयलेशन है सेकंड वन दोनों ही जजेस ने ये कहा कि पार्लियामेंट के डोमेन में है कि वो सेम जेंडर मैरिज को रिकॉग्नाइज करे थर्ड वन अनमैरिड कपल एंड सेम जेंडर कपल्स ज्वाइंटली चाइल्ड को अडोप्ट कर सकते हैं दोनों ही जजेस ने यह कहा कि रेगुलेशन फाइव क्लॉस थ्री सी एर एल्ट्रावाई जस्टिस एक्ट एंडल ये स्टेट देख सकता है कि उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कोई लॉ एनेट करना है या नहीं करना तो ऐसी ही लेटेस्ट एंड लीगल अपडेट के लिए लॉ शास्त्र को जरूर फॉलो करें लाइक करें एंड जितना ज्यादा हो सके शेयर करें